हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो आप लोग ने थंबनेल से देखे तो समझ चुके कि आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करें, इस मूवी का नाम है कुंभलंगी नाइट्स। ये एक मलयालम मूवी है, क्योंकि मैंने जब पोल करके पूछा था कि भाई मैं आज एक मूवी का रिव्यू करूंगा जिसको IMDb ने 8.6 की रेटिंग दी, तो आप लोगों ने गैस करके काफी मुझे मूवीज के नाम सजेस्ट किए। जैसे कि कुछ लोगों ने तेलुगु मूवी महांती बोला, तो किसी ने तुम्बाड़ का भी बोला। तो मैं बता दूं, तुम्बाड़ इज अ मास्टरपीस मूवी। उसके अलावा जो तेलुगु मूवी वो मैंने नहीं देखा था, और उसके अलावा काफी लोग पूछते कि तमिल है या तेलुगु है, तो मैं उनको बता दूं कि भाई ये जो मूवी है मलयालम मूवी। और हमारे इंडिया में, हम तो इंडियन है, मैं बॉलीवुड की फिल्में देख के बड़ा हूँ, क्यों झूठ बोलने का। मैंने बॉलीवुड की सारी लगभग बहुत सारी फिल्में देख चुका हूँ, लेकिन उसके बाद जैसे मैं बड़ा होता गया मैंने साउथ इंडियन मूवीज देखना शुरू किया। मुझे ये नहीं पता कि ये इसमें तमिल कौन सी, तेलुगु कौन सी, मलयालम कौन सी, और कन्नड़ा तो चलो दूर की बात है, कन्नड़ा तो सुना ही नहीं था। लेकिन हम लोग साउथ हिंदी डब मूवीज देखते थे, लेकिन जैसे समझ में आया था भाई, हाँ भाई इस तरीके की भी अलग अलग पर्टिकुलर इंडस्ट्री जहां पर आपको पर्टिकुलर फिल्में देखने को मिलती है। लेकिन आपको दो इंडस्ट्री का नाम बहुत कम सुनने को मिलता है, एक तो सैंडलवुड यानी कि कन्नड़ा इंडस्ट्री, और दूसरी मलयालम यानी कि मॉली। लेकिन अब फाइनली मैंने सोच रखा कि मैं पूरे इंडिया में जितनी भी फिल्में रिलीज होती, जो अच्छी फिल्में उसको मैं यहाँ पर प्रमोट करूंगा, वो सारी फिल्मों के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग भी वो सारी फिल्में देखो। क्योंकि इन सारी फिल्मों के पीछे जो लोग होते, जो काम करते, वो लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, और वाकई में उनकी मेहनत को अप्रिसिएशन तब मिलेगा जब उनकी फिल्मों को एक लार्जर ऑडियंस देखेगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की, जिसका नाम है कुंभलंगी नाइट। इस मूवी की कहानी की बात, और कहानी है चार भाइयों की, सुजी, बोनी, बॉबी और फ्रेंकी। चारों के बीच में लव हेट रिलेशनशिप है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब बॉबी को बेबी से प्यार हो जाता है। बेबी मतलब एक लड़की का नाम है यहाँ पे। उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, जिसका नाम है कुंभलंगी नाइट्स। अब मैं आपको बताता हूँ इस फिल्म में मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगा। तो देखिए, इस फिल्म में जो सबसे अच्छी बात है वो है इस फिल्म की कहानी। जितनी सिंपल इस मूवी की कहानी लगती, उतनी बहुत ही खूबसूरती से इस फिल्म को बनाया भी गया है। हर एक छोटे छोटे मूवमेंट इस फिल्म के इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। इस फिल्म में आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, इमोशन देखने को मिलेगा, कोई ऐसी मोटिवेशनल चीजें मिलेगी देखने के लिए, जो मतलब आप देखोगे तो मतलब आप खुश हो जाओगे। और क्लाइमेक्स इतना बेहतरीन है इस फिल्म का कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके अलावा फहद फासिल, जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जबरदस्त स्टार है, वो भी हमें इस फिल्म में नजर आते हैं। उनका भी एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस फिल्म में। अब वो रोल क्या है वो तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वो तो आपको इस फिल्म देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। इतना मैं कह सकता हूँ कि इस फिल्म में जो जो चीजें थी वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, और कहीं ना कहीं ये फिल्म स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको इतनी अच्छी लगेगी। और ये कैरेक्टर जितने भी है, जो चारों भाइयों के कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से डेवलप किया कि आप इजीली उन चारों भाइयों से कनेक्ट हो जाओगे, और उनके बीच के जितने भी लव हेट रिलेशन है उसको आप फील कर पाओगे। और जो जो मैजिकल मूवमेंट्स, मैं यहाँ पर मैजिकल मूवमेंट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक चीजों को आप फील करोगे, आपको ऐसा लगे हाँ ये सिचुएशन तो हमारे साथ भी होती है, इस तरह की सिचुएशन वाकई में रियल लाइफ में होती है। और कहीं ना कहीं आपको ना एक अपनापन लगेगा इस फिल्म से, और जब इस फिल्म की एंडिंग होती है तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आती है। और अब बात करता हूँ इस मूवी के परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में मुझे सारे एक्टर्स का काम बहुत अच्छा लगा, डायरेक्शन बहुत अच्छा है इस फिल्म का। और एक चीज जो इस मूवी की बहुत अच्छी लगी वो इसके गाने, सॉन्ग्स काफी मेलोडियस है, और सिचुएशन के हिसाब से सारे सॉन्ग्स बहुत ही फिट बैठते। तो मैं बोलता हूँ कि आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, आपको अमेजोन प्राइम वीडियो से मिल जाएगी विद इंग्लिश सबटाइटल। अगर आपको मलयालम लैंग्वेज समझ में आती है तो आई थिंक आप लोगों ने इस फिल्म को देख चुके होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यार इस रिव्यू वीडियो के बाद इस फिल्म को जरूर चेक करना, आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। 8.6 जो इस मूवी को रेटिंग मिली है, डेफिनेटली ये मूवी उस रेटिंग को डिजर्व करती है। बहुत ही खूबसूरती, बहुत ही दिल से इस फिल्म को बनाया, जो आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। तो बस यार इस वीडियो में इतना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो साथ ही बेल आइकन है उसे भी कर देना प्रेस। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दुआ में याद रखना।